हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब मैं अपना पेपर दे के आ चुका हूँ, फिजिक्स का सही हो गया, मतलब मैं पास तो आराम से हो जाऊँगा। और जो क्वेश्चन नहीं आए वो तो मैंने गूगल पे से देख के कर दिए, लेकिन जो मुझे आते थे वो मैंने कर लिए, तो मैं पास हो जाऊँगा कुल मिला के। ये है तो पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो अब टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं डोसा खाऊँगा। मैंने लोगों ने ऐसे कह के डोसा मंगवाया, डोसा बस आ ही रहा होगा, तो मैं आपको, बहुत टेस्टी डोसा आएगा, देखते हैं। चलो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा डोसा आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा है। टेस्टी लग के आ रहा है, टेस्टी होगा भी काफ़ी ज़्यादा। डोसा खाने में मज़े बताएंगे इसमें। तो गाइस, डोसे में वाइट चटनी नहीं आई है क्योंकि वो अभी बनी नहीं है, ताज़ी बनी नहीं है, तो वो ख़त्म हो गई है। और रेड चटनी मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि वो बेकार होती है। तो आप भी कहीं भी डोसा खाने जाएँ तो रेड चटनी मत लिया करिए। ये मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ तो आपको फीडबैक दे रहा हूँ, बहुत सही फीडबैक है ये और बहुत सही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो गाइस चलो अब डोसा खाना स्टार्ट करते हैं। डोसा खाने के मैं आपको बताऊंगा कि कैसा लगा, कैसा क्या लगा। डोसा तो अच्छा ही है, गारंटी है, लोग ये बहुत बढ़िया बनाते हैं। चलो अब डोसा खाते हैं और मज़े लेते हैं। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ अपने तंदूर पे। तो ये रोटियां लगा रहा है, देखिए तो ये रोटियों में बटर नान और मिस्सी रोटी लगा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी तुम क्या लगा रहे हो? नान लग रहा है, ये अभी नान लगा रहा है। तो यहाँ रोड पे बहुत शोर है, तो ब्लॉक की ऐसी हो रही है, ब्लॉग बहुत बेकार जाएगा, लेकिन उसकी ऑडियो बहुत बेकार जाएगी, वैसे तो वीडियो तो सही आ रही है। और अभी ये लगा रहा है मिस्सी रोटी, और इधर गर्मी भी बहुत लग रही है तंदूर के पास, बहुत ज़्यादा गर्म है तंदूर, तो मैं पास को ले जा नहीं सकता उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं लड़के में स्पीड बहुत है, आप देखिए रोटियां निकालने का स्पीड से। और आप देख सकते हैं गाइस नान को, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन काम करता है लड़का हमारा। और अब ये रोटियां निकालेगा, ये देखिए निकाली, सुनी भाई निकाली आप। यहाँ रोड पर बहुत ज्यादा शोर है, तो इधर ब्लॉक की तो ऐसे हो रही है क्योंकि इसकी ऑडियो की बहुत ज्यादा ऐसे हो रही है। और ये लगा रहे हैं डोसे का ऑर्डर, तो देख सकते हैं आप, ये डोसे का ऑर्डर लगाएंगे आप। ये बहुत ही शानदार डोसा बनाते हैं, इनने कल मेरे को डोसा खिलाया, बहुत मज़े आ गए मेरे को, तो मैंने सोचा इनका ब्लॉग बनाऊं डोसे का, तो बहुत अच्छा डोसा बनाते हैं। और ये यहाँ पर रोड के चक्कर में ऑडियो बहुत बेकार हो रही है, ऑडियो बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है ऑडियो, तो इससे वीडियो की जो रेड मर रही है मुझे पता है, लेकिन आप देखिए बीते आगे डोसा लगाएंगे। मुझे लग रही है वो कम मेरे जो साथी हैं वो मेरे लिए मिक्स वेज लगाएंगे,
तो अभी हम मिक्स वेज बनाएंगे उस्ताद जी। चलिए मिक्स वेज, और मिक्स वेज बहुत टेस्टी होना चाहिए, पहले उतारा हूँ, मिक्स वेज अच्छा बनाना। अभी ये मिक्स वेज लगा रहे हैं उस्ताद जी, और पीछे तैयारी चाउमीन बना रहे हैं, और ये उस्ताद जी हमारा मिक्स वेज लगाते हुए। तो गाइस अब मेरा मिक्स वेज रेडी हो गया, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा, पहले एडिटिंग करूंगा, फिर वीडियो पोस्ट करूंगा।